भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति का पार्टी है कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और सहनी समाज तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे सांसद हैं। सहनी समाज तो पूरी तरह से राममय वातावरण में निषाद समाज की तो बड़ी भूमिका रही है, और ये भूमिका अपने को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव महसूस करता है। मुकेश सहनी पुराने साथी थे, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चिराग जी को लेकर सर क्या कहिएगा, उनके चाचा? मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सीएए को खतरा बताया है और कहा है कि पाकिस्तानी से भारी भीड़ ला रही है और वो बीजेपी। देखिए, देश के जो हितैषी नहीं है, जो माँ भारती के सनातन के संतानों को अपमानित करने का, इसके बहु बेटियों को इज्जत तार तार करने पर मौन रहने वाला, ऐसे लोग ही सीएए का विरोध करता है। अरे, ये नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं लेता है, आपत्ति क्यों है? कोई हिंदू पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हो, उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे? और अगर जो वो भागकर भारत आ गया, बरसों से पुश्त दर पुश्त रह रहा है और उसको नागरिकता मिल गई तो छाती फट रहा है? धिक्कार है इसे लोगों को जो भारत माँ भारती के संतानों के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। तेजस्वी ने सर नया वीडियो जारी किया अपने उपलब्धि का, सर 17 महीने का, 17 साल वर्ष सर, 17 महीने खुला चुनौती है। ये नियुक्ति के नाम पर एक बड़ा गड़बड़ घोटाला किए, आज नियुक्ति घोटाला में फंसे हैं। अरे, नियुक्ति के नाम पर जो जमीन लिखाने वाला, पैसे की वसूली करने वाला, परिवारवादी वंशवादी या कुछ संपत्ति का मालिक बनने वाला, ये उपलब्धि दिखा दे, ये उपलब्धि दिखाएं कि जंगल राज गुंडा राज में कैसे तब्दील हुआ। नेता प्रतिपक्ष मैं था, 500 दिन में 341 दिन 70% हम किसी न किसी जिले में आंसू पोंछ रहे थे, एक भी जगह ये नहीं जाते हैं। आज भी अगर जो घटना घटित होता है, मैं तड़प कर रहता हूँ, तुरंत पदाधिकारी से बात करता हूँ क्योंकि सरकार में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक प्रतिपक्ष की दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये रानी के पेट से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता जमीन से जुड़े लोगों को अब राजा बनाएगा।